चलें जी, अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा बीज लगाना चाहिए और कौन सा बीज हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा दे सकता है। अगर हम हाइब्रिड बीज की काश्त करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा है, क्योंकि ये आम बीज से ज़्यादा मज़बूत और इसका जो पौधा है वो भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी मज़बूत होता है। हाइब्रिड बीज की अकसाम में है यूएसएन 633, ऑक्सन है, और इसके अलावा भी बहुत सी इकसाम है। और अगर हम हाइब्रिड बीज की काश्त करेंगे तो इससे किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा मुनाफ़ा होगा। अगले मरहला आ गया दोस्तों भाइयों ज़मीन का, कि सूरजमुखी लिए सानू कैसी ज़मीन चाहिए। जिस तरह दूसरी फसल लगाने लिए सानू अच्छी ज़मीन, जरखेज़ ज़मीन चाहिए होती है, इसी तरह सूरजमुखी लगाने लिए भी सानू अच्छी तो जरखेज़ ज़मीन चाहिए। पारा मेरी ज़मीन होएगी तो सानू ज़्यादा तो ज़्यादा मुनाफ़ा भी देगी तो ज़्यादा पैदावार भी देगी। इसी तरह अगर करलाठी ज़मीन, कलरज़दा ज़मीन, सेम थोर वाली ज़मीन होएगी तो वो ज़्यादा तो ज़्यादा सानू पैदावार नहीं दे सकती। बीज तो बाद ज़मीन तो बाद अगे आ जाती कि शरा बीज किन्नी होनी चाहिए है। एक एकड़ दे किस हिसाब ना किन्ना कोई बीज लगा सकने हैं। तो माहरीन कहते हैं कि अगर एक एकड़ दे 2 किलोग्राम फी एकड़ बीज लगाया जाए तो वो ज़्यादा तो ज़्यादा सानू पैदावार दे सकते हैं। इसी तरह बीज किस तरह लगा सकने हैं, कुछ किसान भाई तो छट्टा ही दे देंगे ने, जिस दी वजह तो सानू बीज ज़्यादा इस्तेमाल करना पैंदा है। तो कुछ किसान भाई खेला करते हैं, वट्टा पाते हैं, उस दे विच हिसाब दे नाल बीज लगता है तो ज़्यादा पैदावार दे सकता है सानू। बीज तो बाद ज़मीन तो बाद शरा बीज तो बाद अगला मरहला आ जाता है कि इनू असी खाद किस हिसाब न पानी है, पानी किस हिसाब न लगाना है, तो बीमारियों तो किस हिसाब न बचाना है। दोस्तों भाइयों इन पानी जरा मौसमियात दे हालात देखकर लगाना चाहिए, कि कई इलाकों से बारिशा ज़्यादा होंदिया ने ते पानी लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होंगी। इस तरह खाद भी हिसाब के नाल डालता रहना चाहिए, स्प्रे लाजमी करनी चाहिए इनू बीमारियों तो बचाने लिए, ताकि यदि निगहदाश्त ज़्यादा तो ज़्यादा होवे ते ये ज़्यादा तो ज़्यादा नशोनुमा इनकी होवे, ताकि असी इनू ज़्यादा तो ज़्यादा पैदावार इस तो हासिल कर सकीए। जी ये सी दोस्तों साडा इंटरव्यू सूरजमुखी यानी सनफ्लावर के बारे। अगर और ज़्यादा जानकारी इस बारे चाहिए हो तो साढ़े नाल राबता करो, असी इंशाल्लाह तुहानूं भरपूर इस दे मुतल्लक दसांगे, ताकि किसान भाइयों के अंदर ज़्यादा तो ज़्यादा इस नूं पैदावार करन दी उम्मीद जागे। अस्सलाम वालेकुम।